साथ हम देखेंगे जी कन्वेक्स लेंस के केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ठीक है उसको किस पोजीशन पर रखेंगे तो इमेज किस तरह से बनेगा हम जनरली डिस्कस करेंगे आ, अब अब अब, 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 अब कन्वेक्स लेंस क्या है बेसिकली एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी जैसे ग्लास शीशा के जो एजेज से बारीक होता है यानी अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ प्रॉपर तरीके से एजेस से जो थोड़ा सा हम इसको डाउन करते हैं जी एजेज से जो बारीक होगा और दरम्यान से मोटा होगा ये हमारे पास कल आएगा कन्वैक्स मिरर कन्वैक्स लेंस सॉरी ठीक है कन्वैक्स लेंस बल्कि अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा चले ये हमारे पास कन्वैक्स लेंस है अब ये जो सेंटर होता है आप जानते हैं कि इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि ऐसे पॉइंट सेंटर में से ऑलमोस्ट एक ऐसे पॉइंट से गुजरे जहां से गुजरने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो ठीक है तो वो पॉइंट हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है फिर वो लाइन जो कि इस लेंस के अपर्चर जो इसकी हाइट है ठीक है इसको अगर आप दो हाफ में डिवाइड कर दें दोनों हाफ के वो जो है परपेंडिकुलर हो वो आपके पास कराती है प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस ओके अब हम देखते हैं कि अगर हम जो है फर्ज करें अः मुख्तलिफ यानी इमेजेस बनाने से पहले यानी जो आपके इमेजेस बनेंगे ऑब्जेक्ट्स बनाने से पहले कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज ऑफ रे ऑफ लाइट हैं जो कि कन्वेक्स लेंस के केस के के में या इवन के कन्केव लेंस के केस में भी होल्ड करती हैं हम ये जानते हैं कि एक रे ऑफ लाइट यानी एक रे ऑफ लाइट जो कि लाइट की एक रे जब आप इस इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट कराओगे चले हम सर्टन इसको थोड़ा सा आ, यहां से स्टार्ट करते हैं एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जैसे मैं यहाँ पे शो करता हूँ ठीक है तो अब आपको पता है कि ये लेंस जब इसमें से पास करती है अगर आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो लॉज ऑफ रिफ्कशन के मुताबिक ये टू नॉर्मल बैंड करेगी ठीक है फिर अगेन अगर आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी तो इस पॉइंट पे आके क्या करेगी फोकस फोकस करेगी एक पॉइंट पे आके जिसको हम कहते हैं जी फोकस ऑफ द जिसको हम ऐप से नोट करते हैं फोकस ऑफ द लेंस अब हम जानते हैं जी कि एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस से सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल है वो जब भी आपके कन्वेक्स लेंस में से पास करेगी तो दिस इज फॉर श्योर यानी इस बात की श्योरिटी है कि वो उसके फोकस में से पास करेगी यानी जब वो पास कर जाएगी तो फोकस में से पास करेगी ठीक है जो कि फोकस जो है उसका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है इसी तरह से अगर एक रे ऑफ लाइट जो कि किसी भी सर्टन एंगल के ऊपर प्रिंसि पोल में से पास करती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल पोल में से पास करती है ठीक है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी अगर पोल में से पास करेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी वो जो है वो एज इट इज रहेगी क्योंकि आप आप जानते हैं कि किसी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज लेने के लिए हमें एटलीस्ट टू रेज रिक्वायर्ड होती हैं ठीक है टू रेज रिक्वायर्ड होंगे तो जहां पे वो मीट करेंगे रेज वहां पे आपका इमेज बनेगा तो यहां पे अगर आप देखें तो ये आपने दो फिन अपने माइंड में रखने हैं कि अगर एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल है वो आपके फोकस में से पास करेगी ये फॉर श्योर है और एक रे जो कि पोल में से पास करे उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी अब हम सर्टन पोजिशन पे फर्स करें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं टू एफ ए अगर आप देखें दोनों इसके दो फोसाई होते हैं ये एफ है और ये भी एफ है ठीक है दोनों तरफ फोकस इक्वल होगा अगर आप रे इस तरफ से इंसिडेंट कराएंगे तो इधर आके फोकस करेगी जो, जो फोकस का डबल होता है यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो सेंटर है कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर जिसको o से ये C से या रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट तो है, कर तो फर, है। करें जी हमारा जो ऑब्जेक्ट है कोई भी, भी ह्यूमन है कोई बच्चा है कोई ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस हमने किया हुआ कहाँ पे बियॉन्ड टू एफ बियड टू एफ से 2f से थोड़ा सा परे किस तरह से यहाँ पे मैं शो करता हूँ फर्स्ट करें हम यहाँ पे अभी इसको स्टडी करते हैं ठीक है फर्स्ट करें जी हमारे पास वो जो कन्वेक्स लेंस है वो हमारे पास इस तरह से बना हुआ है थोड़ा सा हम जो है वो ग्रेटर साइज का बनाते हैं ताकि ये हमारे पास पोल है ठीक है जिसको हम प्रिंसिपल ये जो बेसिकली वो लाइन है जो कि प्रिंसिपल एक्सेस है हमारे पास आप फर्स्ट करें हम अस्यूम कर लेते हैं कि जो फोकस है वो आपका इस तरफ भी यहाँ पे है ये फोकस है आपका और यहाँ पे भी इतने ही डिस्टेंस पे होगा ठीक है बल्कि चले हम यहां पे भी इतने डिस्टेंस पे होगा फोकस एंड डबल ऑफ फोकस इज कॉल्ड टू एफ ठीक है ये एफ है ठीक है ये भी एफ है और ये टू एफ है और यहां पे ये भी टू एफ है ठीक है अब आप देखें आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे फॉर सर्टन हाइट आपने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है अब हमें दो रेस चाहिए ठीक है थीके? जो कि बियॉन्ड टू एफ आप देखें बियॉन्ड टू एफ है अब हमारा इमेज कहां पे बनेगा अगर एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस है अकॉर्डिंग टू द लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ वो क्या करेगी फोकस में से पास करेगी ठीक है वो क्या करेगी फोकस में से पास करेगी आप देख सकते हैं ये फोकस में से पास करिए ठीक है, है अब बल्कि हम थोड़ा सा इसको क्लियर बनाते हैं यहाँ पे अब देखें अगर तो ये फोकस में से पास करिए ठीक है, है और एक वो रे ऑफ लाइट जो कि आपकी आप पोल में से पास करती है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी अगर आप यहाँ पे देखें सॉरी यहाँ पे अगर आप देखें जो सॉरी जो कि ऑप्टिकल सेंटर हम इसको मिरर के केस में कहते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है तो आप देखेंगे कि जहां पे मीट करिए रियल इमेज बन रहा है मीट करती है इमेज यहाँ पे बनेगा आप देखें अगर ये इसके फुट है इसके पैर है और ये इसका सारा है तो जो इमेज बनेगा उसमें सर नीचे होगा पाव ऊपर होंगे यानी इनवर्टेड होगा इमेज इनवर्टेड होगा ठीक है उसके बाद से की दूसरी जो चीज है वो क्या है रियल इमेज होगा रियल मीन के रियल जो रेज है उनसे उनसे मिल के बन रहा है है ठीक उसके बाद जो है डिमिनिश होगा यानी स्मॉलर इन साइज अगर आप ये देखें तो ये इसका साइज ऑलमोस्ट यहां पे मीट कर ये इसका साइज बन रहा है जो मैंने एरो थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया है जो ऑब्जेक्ट था उसका साइज बड़ा है ये ऑब्जेक्ट है आपके पास और जो इमेज बन रहा है उसका साइज स्मॉलर तो ये फर्स्ट शोर है कि शोर sure है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड टू एफ रखेंगे तो आपका जो इमेज बनेगा वो फोकस और टू यानी एफ और टू एफ के दरमियान बनेगा ऑपोजिट साइड के ऊपर रियल होगा उल्टा होगा लेकिन उस ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इन साइज होगा ठीक है इसी तरह से हम एक और केस ले लेते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को चले यहां से अभी हम रिमूव करते हैं इसको इसको हम कैंसिल करते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को फर्ज करें आ, ये टू एफ है अब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड टू एफ के बजाय क्या करते है? हैं एग्जैक्ट टू एफ पे रखते हैं यानी हमने क्या किया ऑब्जेक्ट जो है वो किसके ऊपर है इसको हम रिमूव कर देते हैं हमने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट टू एफ के ऊपर रख दिए ठीक है चले मैं उसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ऑब्जेक्ट इज एट टू एफ अब हम देखते हैं अब जो है वो बिहेवियर कैसा होगा चले अब अगर आप ऑब्जेक्ट को टू एफ के ऊपर रखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह ठीक है अब एक रे ऑफ लाइट जो कि पैनल टू प्रिंसिपल एक्सेज है तो वो फॉर श्योर फॉर श्योर शॉर्ट के कहाँ से पास करेगी सॉरी यहाँ से वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत इधर बैंड करेगी फिर वो फोकस में से पास करेगी यहाँ पे देखें वो फोकस में से पास करेगी ठीक है अगर आप यहाँ पे देखते हैं वो फोकस में से पास करेगी और अगर औ, और अगर आप देखें तो आपके पास जो है आ, एक वो रे ऑफ लाइट जो कि आपकी यानी ये एफ था तो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास क्या है टू एफ है ठीक है अगर आप फोकस में से पास करेगी और जो जो रे पोल में से जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी सॉरी ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से मैं स्ट्रेट लाइन लगाना चाह रहा हूँ नही जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करिए अगर आप ये देखें तो वो जाके अः जिस पॉइंट पे मीट करती है वो बेसिकली आपके पास क्या है इमेज है यानी ये ये ऑलमोस्ट पॉइंट है है मेरे पास लाइन इतनी स्ट्रेट नहीं है, लेकिन जस्ट आप देखें जनरल कंसेप्शन हमें मिल रही है कि अब इस केस में आपके पास जो इमेज बन रहा है ठीक है वो क्या है यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है यानी जो बंदा था जो भी था जिसका आप इमेज लेना चाह रहे हैं और ये उसका इमेज है ठीक है ठीक है अब जो इमेज है वो क्या है रियल है यानी रियल है मीन के रियल रेज के साथ मिलके बना हुआ है ठीक है इन्वर्टेड है उल्टा है यानी सार पाओ पांव ऊपर सर नीचे ठीक है लेकिन सेम साइज है यहाँ पे क्या अगर आप टू एफ पे रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट भी टू आपका इमेज भी टू एफ पे बनेगा लेकिन सेम साइज का होगा उसके बराबर साइज का होगा जो हमने रेस से यहां पे स्टडी कर लिया इसी तरह से अगर आप देखें तो अभी हम ऑब्जेक्ट की पोजिशन जो है यहाँ पे चेंज करते हैं ठीक है बियॉन्ड टू के बजाय अब हम देखते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जाम्पल यहां पे रखते हैं चले फर्ज कर लें अभी हम पोजीशन रख लेते हैं इन बिटवीन एफ एंड टू एफ इन बिटवीन इन बिटवीन एफ एंड टू एफ एफ और टू एफ के अगर दरमियान रखते हैं तो यहाँ पे फिर इसको स्टडी करते हैं चलें जी फर्ज करें हमारे पास जो एफ है और टू एफ के दरमियान यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया ठीक है यहाँ से वही रूल है हमारे पास ये रे ऑफ लाइट से कि यहाँ से उसके बाद यहाँ पे हिस्सा से चली गई और जो पोल में से पास करी अगर आप देखें तो हमारे पास वो यहाँ पे बन रही है ठीक है यानी एग्जैक्टली exactly यहाँ पे बन रही है अब इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास एक यानी आपके पास सम वहाँ पे था ठीक है 2F यहां पे था तो क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट आपका स्मॉलर इन साइज है ठीक है इमेज हमारा क्या बन रहा है लार्ज इन साइज बन रहा है ठीक है उस उस उससे ग्रेटर इन साइज है उसके बाद रियल भी है इनवर्टेड भी है यानी उल्टा भी है ठीक है और रियल भी है सेम उन रेज से मिलके बन रहा है ठीक है इसका मतलब अगर टू और एफ टू एफ और एफ के दरमियान रखेंगे तो इमेज आपका टू एफ से आगे बनेगा दूसरी साइड पे टू एफ से आगे बनेगा इसी तरह से हम देखते हैं कि जो है अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसकी पोजिशन चेंज करते हैं फॉर एग्जाम्पल इसको हम एफ पे ले आते हैं फर्ज करें हम टू एफ के बजाय हम क्या करते हैं एफ पे ले आते हैं एट एफ सॉरी यहाँ पे हम अगर एट एफ पे ले आए ठीक है तो आप देख सकते हैं फोकस पे अगर आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को ये फोकस है हमारे पास तो एक रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो इस पे हिट करने के बाद फोकस में से पास करेगी ठीक है और वो रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी है तो आप देखें ये किसी पॉइंट पे भी मीट नहीं कर रही किसी पॉइंट पे भी मिल नहीं रही इसका मतलब है कि इनका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा हम उसको आ, जो है वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से क्या मुराद है कि जहां पे ये रेज मीट मीटअप नहीं कर रही ठीक है यहां पे ये रेज आपकी मीट अप नहीं कर रही इसका मतलब सिंपली कह दिया कि ये जो इमेज है वो आपका इन्फिनिटी पे बनेगा क्योंकि ये इंफिनिटी तक जाएंगी तो जहां पे आप इसको इसके आ, सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे वहां पे जाके यानी इसके सामने आपने कोई चीज रखी तो वहां पे आपके इमेज सिंपली हम कहते हैं कि स्पेस में बनेगा इसका इमेज ठीक है इसी तरह से और जो आपके पास अगर ऑब्जेक्ट की पोजिशन फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजिशन जो है वो फोकस फोकल यानी आपकी इन बिटवीन इन बिटवीन यानी इन इन बिटवीन बिटवीन एफ एफ एंड ओ जो कि आपका ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर सेंटर है 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 ठीक ओ ओ ये वाला इन बिटवीन एफ एंड रखें तो फिर क्या होगा अब अगर आप इन बिटवीन एफ एंड ओ ऑब्जेक्ट रखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ऑब्जेक्ट है ठीक है ये रे जो कि पैरल टू तो प्रिंसिपल एक्सिस है यहां से इसके लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन को ओबे करते हुए आपकी फोकस में से पास करेगी तो यहां पे अगर आप देखें तो ये फोकस में से पास करी है और वो रे जो कि पोल में से पास करेगी वो अगर आप देखें तो अगर हम इन दोनों रेज को ट्रेस बैक करते हैं फॉर एग्जाम्पल दोनों रेज को ट्रेस बैक करें ठीक है ये दोनों रेज को ट्रेस बैक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज जो बनेगा ठीक है जो कि रियल नहीं है इस केस में ठीक है जो कि के इस केस में हमारे पास रियल नहीं है यहां पे ये यह मीटअप करी मेरे तो पास स्ट्रेट लाइंस नहीं है अगर आप देखें चले ये तो यहां पे अगर आप देखें तो एक बहुत ही इरेक्ट यानी सीधा अब ये इमेज जो बन रहा है ये सीधा है इरेक्ट है ठीक है इरेक्ट है सीधा इमेज आपके पास बन रहा है ठीक है जो कि बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट ये आपका ऑब्जेक्ट था ये आपका इमेज है ओ फॉर ऑब्जेक्ट आई फॉर इमेज इमेज आपका बहुत ग्रेटर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट है ठीक है ऑपोजिट साइड यानी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है वैसे इमेजेस आपके ऑपोजिट साइड पे बनते थे ये सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे बन रहा है और इरेक्ट है यानी सीधा है इसमें सार ऊपर इस ही है और पाव नीचे हैं तो ये बेसिकली कन्वेक्स के लेंस के, के, के केस में हमारे पास इस तरह के इमेजेस जो है वो बनते हैं